रामलाल मीरापुर की सबसे टेस्टी पानी पूरी बनाता है। लेकिन मीरापुर एक छोटा सा गांव है, इसलिए रामलाल अचलपुर जाके पानी पूरी बेचता है। एक दिन रामलाल पानी पूरी बेचकर वापस आता रहता है। उस दिन काफी देर हो जाती है। उसके सामने दो रास्ते थे, एक लंबा रास्ता या एक जंगल का शॉर्टकट, जिससे वो आधी देर में पहुंच जाए। वो जंगल का शॉर्टकट ले लेता है। जंगल घना और सुनसान रहता है। वो थोड़ा रास्ता भटक जाता है, तभी उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। बहुत भूख लगी है, आज एक भी शिकार नहीं मिला। अरे वाह, शिकार तो चलकर मेरे पास आ रहा है, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं तुझे पका के खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझ गरीब के सूखे खून में आपका पेट नहीं भरेगा। इसके बदले मैं आपको पानी पूरी खिलाता हूँ। पूरे अचलपुर में मेरी पानी पूरी बहुत फेमस है, आपको बहुत पसंद आएगी। और रामू चुड़ैल को पानी पूरी खिलाता है। वाह, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी है, आज से तुम्हें मेरे लिए रोज पानी पूरी लाना पड़ेगा। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोज पानी पूरी खिला सकूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, तब तो खिलाओगे ना। फिर चुड़ैल एक गुफा में जाती है और बहुत सारा पैसा लेके आती है, और सारा पैसा रामलाल को दे देती है। रामलाल पैसा लेके वहां से चला जाता है और सीधे अपने घर आ जाता है। रामलाल ने बड़ी बहादुरी से चुड़ैल का सामना किया। घर जाके ये सारी कहानी अपने बीवी लीला को बताता है। उसकी बीवी भी बहुत डर जाती है और उसे बोलती है कि इतना पैसा अपने लिए बहुत है, और पैसा नहीं चाहिए, कल से मत जाना उस जंगल के पास। लेकिन ये सारी बातें चुपचाप उनकी पड़ोसन विमला सुनते रहती है, और वो अपने पति को जाके सारी बातें बताती है। अपने पति को वो कहती है कि रामलाल तो कल जाने वाला है नहीं, तो उसके बदले तुम चले जाओ, चुड़ैल को पानी पूरी खिलाओ और बहुत सारा पैसा लेके आ जाओ। दोनों बड़े लालची रहते हैं। अगले दिन रामलाल की जगह विमला का पति पानी पूरी लेके चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल उसे बोलती है कि अरे तुम कौन हो, मुझे रामलाल की पानी पूरी खानी है। तो विमला का पति बोलता है, वो बहुत बीमार है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया, आप आज ये वाली पानी पूरी खाइए। चुड़ैल पानी पूरी खाती है, उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो गुफा के अंदर जाती है, बहुत सारा पैसा लेके आती है, और पैसा विमला के पति को दे देती है और कहती है, कल फिर मेरे लिए पानी पूरी लेके आना। इतना सारा पैसा देख विमला का पति बड़ा खुश हो जाता है और सारा पैसा लेके घर आ जाता है। इतना पैसा देख विमला को और लालच आ जाता है, तो विमला अपने पति को पूछती है, इतना सारा पैसा चुड़ैल लाती कहां से है। तो उसका पति उसे बताता है कि वहां एक गुफा है। चुड़ैल उस गुफा के अंदर जाती है और बहुत सारा पैसा लेके बाहर आती है। तो दोनों सोचते हैं, कल सुबह सुबह अपन उस गुफा में जाके सारा पैसा निकाल के लेके आ जाएंगे। दूसरे दिन दोनों जंगल में गुफा के पास पहुंच जाते हैं। आसपास देखते हैं तो वहां चुड़ैल नहीं रहती है, तो वो गुफा के अंदर चले जाते हैं सारा पैसा जमा करने के लिए। गुफा के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो पैसों को हाथ लगाने जाते हैं, वहां चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे गुफा में आए, अब वापस जा नहीं पाओगे। तो देखा आपने, लालच बुरी बला है, कभी लालच नहीं करना चाहिए।